तो आज हम बताएंगे कि आप कैसे किसी का नंबर सेव किए बिना ही आप किसी को WhatsApp मैसेज भेज सकते हैं कई बार होता है क्या कि अगर हम कभी कोई डॉक्यूमेंट निकालने निकालना होता है या फिर हम चाहते हैं कि उसका नंबर हम सेव ना करें और उस पर व्हाट्सअप करना होता है तो हम कैसे करेंगे तो उसके लिए जो एक व्हाट्सअप का फीचर है वो आज हम बताने वाले हैं आपको तो सबसे पहले आपको करना क्या होता है तो ये जो क्यू कोड आप देख रहे हैं ये आपके पास होना चाहिए आप कैसे होगा इसके लिए आपको आना होता है व्हाट्सएप पे आएंगे और जैसे ही पे आएंगे तो आपके पास व्हाट्सएप पे आते ही आपको यहाँ पे एक जो दिख रहा है ये मैसेज का तो आपको यहाँ पे आपको क्लिक करना है क्लिक करने के बाद आपको एक और ऑप्शन खुल के आएगा यहाँ पे क्यू आर कोड का अगर आपके व्हाट्सएप अगर, अगर, अगर अपडेट नहीं है तो फिर आपका ये ऑप्शन नहीं दिखेगा तो आपको अपडेट कर लेना है अपडेट करने के बाद ये जो ऑप्शन दिखेगा आपको इस पर आपको क्लिक करना होता है अब देखिए जैसे हम क्लिक करेंगे अब देखिए यहाँ पे कैमरा खुल के आ गया अब जैसे ही स्कैन करेंगे इसको तो ये माय एयरटेल नंबर करके जो है ये खुल चुका है ये क्या होता है कि आप ऑटोमेटिक ये मेरे में सेव है इसलिए दिखा अगर नहीं सेव रहेगा फिर भी आपका ऑटोमेटिक ये नंबर यहाँ पे शो करेगा जहाँ पे माय एयरटेल नंबर लिखा हुआ है वो शो करेगा उसके बाद आप कुछ भी उसको डॉक्यूमेंट भेज सकते हैं अगर कोई दुकानदार हैं जैसे साइबर कैफे है या कोई भी चला रहे हैं तो अगर आप चाह रहे हैं कि हम मैसेज आ, कोई जो है कोई डॉक्यूमेंट निकलवाना चाह रहा है व्हाट्सएप के जरिए तो आप कैसे निकालते हैं तो वो क्या करता है फिर आपका नंबर सेव करता है उसके बाद वो मैसेज करता है लेकिन कभी कभी क्या होता है कि बहुत लोग चाहते हैं कि हम नंबर सेव किए ही बिना भेजें तो उनके पास ये विकल्प नहीं रहता तो आपके पास यही एक विकल्प है जिससे आप उनका नंबर सेव किए बिना ही आप उनको मैसेज कर सकते हैं अब जैसा कि यह है कि कोई साइबर के वाला है तो वो आप कैसे क्यू आर कोड अपना क्यू आर कोड बनाएंगे। जैसा कि ये क्यू आर कोड आप देख रहे हैं जो मेरे पास है जो स्कैन करेंगे तो आ जाता है तो आपको सबसे पहले करना होता है यहाँ पे है माई क्यू आर कोड सॉरी माई कोड लिखा हुआ है माई कोड पे जाना है माई कोड पे आप क्लिक कर लेंगे ठीक है उसके बाद आप यहाँ से जा सकते हैं और यहाँ से स्कैन होगा इस जगह से आप इस जगह से स्कैन कर सकते हैं और इस जगह से आपका क्यू कोड होगा उसके बाद आप इसको स्क्रीन ले लीजिए या फिर यहाँ पर जो शेयर का ऑप्शन है वो यूज कर सकते हैं आप ठीक है उसके बाद आप इसको प्रिंट आउट करके आप जैसे हम प्रिंट आउट किए हैं ये देख लीजिए ये देखिए ये हम प्रिंट आउट करके पहले से रखे हुए हैं अब इसको हम कहीं भी दीवार पे या फिर कहीं पे रख लेंगे और इससे ही स्कैन करके वो भेज सकता है तो बस आज के लिए इतना ही धन्यवाद